देखें क्लिपिंग द नेल्स इज़ सुन्ना और ये मर्द और औरत और दोनों पर अप्लाई होता है यानी मर्द और औरत और दोनों ही के लिए अपने हाथ और पाँव के नाखून काटना सुन्नत है और ये फितरत का भी हिस्सा है कटिंग द नेल्स इज़ ए पार्ट ऑफ ए फितरा अब देखिए जब आप अपने नाखून काटना शुरू करें तो सबसे पहले अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड के नाखून काटना शुरू करें क्योंकि हदीस में बाकायदा नाखून काटने की तरतीब नहीं बताई गई है बट ये ज़रूर बताया गया है कि सीधे तरफ से शुरू किया जाए जैसा कि हदीस के अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुमकिन हो दाएँ तरफ़ से यानी सीधी तरफ़ से काम शुरू करते यानी जूते पहनने हों या बालों में कंगी करनी हो गर्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम ही काम सीधी तरफ़ से शुरू करते थे तो जब भी आप अपने नेल्स को कट करना शुरू करें तो सीधे हाथ से शुरू करें और सीधे हाथ में भी शहादत की उंगली यानी इंडेक्स फिंगर से शुरू करें क्योंकि शहादत की उंगली सबसे अफजल है तो बेहतर है इसी से शुरू किया जाए बाकी फिर आप सात वाली उंगलियों के नाखून काट लें इसके बाद अपने उल्टे हाथ के नाखून काटना शुरू करें देखिए कोई नाखून काटने की बाकायदा तरतीब तो हमें अहादिश में नहीं बताई गई है हाँ बस पहले सीधे हाथ के नेल्स कट कर लें फिर उल्टे हाथ के इसी तरह पहले सीधे पैर के नाखून काट लें फिर उल्टे पैर के ठीक है देखिए अगर आप अपने नाखून फ्राइडे को कट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है बट अगर आप उसके अलावा भी किसी दिन कट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और एक बात जो बहनें अपने नाखून को बढ़ाने का शौक़ रखती हैं वो इस हदीस को ज़रूर सुन लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए नाखून काटने और जेर नाव बाल मूडने और बगलों के बाल उखेड़ने और मूछे काटने का वक्त चालीस दिन मुक्र किया है यानी फोर्टी डेज़ यानी फोटी डेज़ के अंदर आपको अपने नाखून और गैर ज़रूरी बाल निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसका हुक्म हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और ये ऑर्डर सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि औरतों के लिए भी है इसलिए अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आप उन्हें पहली फुर्सत में कट कर लें दिल्स मस्ट बी कट विद इन फोटी डेज़ और वैसे भी देखिए बढ़े हुए नाखून इतने ज़्यादा अजीब व गरीब और बुरे लगते हैं कि वो आपकी पर्सनलिटी को पूरा डाउन कर देते हैं यानी हीरो से ज़ीरो कर देते हैं और एक मुस्लिम को बिल्कुल इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जिनके करने का हमें स्पेशली हुक्म दिया गया है बोथ मैन एंड वीमेन मस्ट पे अटेंशन टू दिस मैटर एंड नॉट लीव द नेल्स मोस्टैश प्यूबिक हेयर एंड आमपिट हेयर फॉर मोर देन फोर्टी डेज